हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास। तो आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है तितलियाँ। अफसाना खान का सॉन्ग है ये और बहुत ही फेमस सॉन्ग है। इस टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो इसी सॉन्ग को हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो इसे एक अलग तरीके की स्ट्रमिंग पर प्ले करना सीखेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में सुन लिया होगा मैंने प्ले करा है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉर्ड्स देखते हैं। तो इसमें जो कॉर्ड्स यूज हुई है, मैं आपको बार कॉर्ड्स और ओपन दोनों बताऊंगा, आप जिस पे प्ले करना चाहें उस पे प्ले कर सकते हैं। तो पहले बार कॉर्ड्स बता देता हूँ। फर्स्ट है एफ शार्प माइनर, नेक्स्ट डी मेजर, ई मेजर और एक जगह बी माइनर भी आती है। ठीक है, तो ये चार कॉर्ड्स यूज हुई हैं सिर्फ। अगर आप इनको और ये करना चाहें तो केपो यूज कर सकते हैं। सेकंड फेट पे केपो यूज करेंगे तो जो हमारी एफ शार्प माइनर थी वो बन जाएगी ई माइनर, जो डी मेजर था वो बन जाएगा सी मेजर, जो ई मेजर था वो बन जाएगा डी मेजर, और जो बी माइनर था वो बन जाएगा ए माइनर। ठीक है, तो अब सिर्फ चार सिंपल कॉर्ड्स हैं, ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर और ए माइनर। ठीक है, चारों के डायग्राम्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए, अगर आपको नहीं आते तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हमारी कॉर्ड्स हो गई। अब आते हैं हम इसकी स्ट्रमिंग पर। तो स्ट्रमिंग भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक नॉर्मल प्ले कर सकते हैं आप और एक जो मैंने बीट वाली प्ले की है वो। ठीक है, तो पहले बीट वाली समझा देता हूँ। तो स्ट्रमिंग जो प्ले करनी है हमें, इसमें कुछ ऐसे प्ले होगी, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है इसमें किक प्लस स्ट्रम। किक प्लस स्ट्रम की आपको बीट भी देनी है, साथ में स्ट्रम भी करना है। स्ट्रमिंग जो करते हैं इसमें हम सेकंड और थर्ड फिंगर से करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा किक प्लस स्ट्रम, फिर उसके बाद ये फिंगर्स वाला स्टेप करना है। तो इसमें क्या करना है, बंद मुट्ठी होती है, इसको आप खोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके चार बार फिंगर, अपनी चारों फिंगर्स खोलनी है। ठीक है, और ये थंब है, इसको यहाँ पे हिट करना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। फिर उसके बाद गिटार का जो ये वाला पीछे वाला पोजीशन है, यहाँ पे आपको ऐसे हिट करना है फिंगर्स को, ऐसे साउंड आनी चाहिए। आप यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है वहाँ पे हिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। मैं पीछे की तरफ हिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हुआ, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, और लास्ट पार्ट क्या है, किक प्लस स्ट्रम और अप, सिर्फ नॉर्मल अप स्ट्रोक आएगा। ठीक है, तो पूरा इतना लगेगा ये, किक प्लस स्ट्रम, फिंगर, फिर बैक पे, फिर डाउन अप। इसको डाउन अप बोल देंगे एक तरीके से, किक प्लस स्ट्रम और अप है। ठीक है, तो पूरा साउंड ऐसे करेगा, फिर ये सेम रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्ले हुआ ये। और कॉर्ड्स में जब ये डाउन अप करेंगे, जो नेक्स्ट साउंड आएगा, मतलब जो एक किक प्लस स्ट्रम और अप करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट किक प्लस स्ट्रम आएगा, उसमें हम कॉर्ड चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी ई माइनर पे प्ले कर रहा हूँ मैं, फिर डी मेजर पे आऊंगा, तो देखना साउंड कैसे करेगा। जो डाउन अप के बाद ये जो नेक्स्ट किक प्लस स्ट्रम आता है, इस पर कॉर्ड चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रमिंग प्ले हुई है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपसे भी इजीली प्ले हो जाएगी। और मैंने इस स्ट्रमिंग पे दो सॉन्ग और प्ले किए हुए हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस स्ट्रमिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जरूर प्ले होगी। अगर आपसे ये नहीं हो रही है तो आप एक नॉर्मल स्ट्रमिंग ले सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रमिंग क्या प्ले करनी है हमें, डाउन अप चक्कप, अप चक्कप, डाउन अप चक्कप, अप चक्कप। ठीक है, डाउन अप फिर चक चक, आई होप आपको आता होगा, नहीं तो बता दूं। जो आपका ये पहले पाम है उसको स्ट्रिंग पे रखेंगे और उसके बाद फिर डाउन स्ट्रोक, जिससे सारी म्यूटेड साउंड आएगी। ठीक है, डाउन अप चक अप, अप चक अप, ये समेंगे। ठीक है, और अगर आपसे ये भी प्ले नहीं हो रही है, आप और इसी चाहते हैं, तो डाउन डाउन अप, अप डाउन, डाउन डाउन अप, अप डाउन, इस समिंग पे भी आप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जिस पे प्ले करना चाहें। मैंने आपको तीन तरीके के स्ट्रमिंग्स बता दिए, आप जिस पे कंफर्टेबल हो, जिस पे प्ले करना चाहें उस पे प्ले कर सकते हैं। तो ये एक हमारी स्ट्रमिंग हो गई, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन पे, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं एक बार पूरा सॉन्ग प्ले करता हूँ, आप ध्यान से देखिए कौन सी कॉर्ड कहाँ पे यूज हुई है और सॉन्ग कैसे प्ले हुआ है।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाना चालू होगा हमारा ई माइनर से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉन्ग। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। इजी सॉन्ग तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ऐसे ईजी और नए सॉन्ग्स के लेसन और देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।